हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स वर्क। ओके, जो मेंडल है, हमने देखा था कि अभी तक जो वर्क उन्होंने किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, या उन्होंने जो लॉज दिए थे, जो हमने तीन लॉ पढ़े थे, जिसमें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, फिर हमने बैक क्रॉस के बारे में देखा, टेस्ट क्रॉस के बारे में देखा। तो ये तो मेंडल का इरा था, मेंडल ने जो किया तो जो वर्क किया था उसके बारे में। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे दिए थे कि क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। ओके, और उसके बाद उसके बाद जब अलग साइंटिस्ट ने, दूसरे साइंटिस्ट ने ऐसे ही इनहेरिटेंस का स्टडी चालू किया, तब उन्हें कुछ अलग पैटर्न्स दिखे इनहेरिटेंस में। तो वो क्या थे वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो फ्यू जनरलाइजेशन वेयर अराइव्ड बाय द मेंडल। ओके, सो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे दिए थे, जनरल पॉइंट्स उन्होंने बताए थे। तो वो क्या थे? उन्होंने कहा कि सिंगल ट्रेट, एक ट्रेट जो है वो सिंगल जीन से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और एक सिंगल जीन में कितने अलील होते हैं? दो अलील होते हैं, मतलब एक ही जीन के दो अलील्स, मतलब दो कॉपीज प्रेजेंट होती है। और ये दो अलील्स जो होते हैं वो एक कैरेक्टर डिसाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। ये था उनका पहला पॉइंट। और उन्होंने कहा कि जो दो अलील होते हैं जीन में, उन दो अलील्स में एक अलील जो होगा वो डोमिनेंट होगा। वो एक अलील जो होगा वो डोमिनेंट होगा। सो द टू अलील शोज द इंटरैक्शन इन विच वन इज कॉम्प्लीमेंट्री डोमिनेंट। सो जो दो अलील होंगे उन दो अलील में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, और उसमें से एक जो अलील होगा वो डोमिनेट होगा। सो उन्होंने थर्ड पॉइंट कहा था कि द जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जो जीन्स अलग अलग ट्रेट के लिए या कैरेक्टर्स के लिए होते हैं वो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे, और अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो इंडिपेंडेंटली क्या हो जाएंगे, असॉर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा था कि जो अलील होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। तो यहीं पे भी उन्होंने वही कहा कि डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, डिफरेंट ट्रेट्स के लिए जीन जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और यही बात है, यही था इंपॉर्टेंट मेन रीजन मेंडल के सक्सेस का, कि उन्होंने जो सेवन कैरेक्टर चूज किए थे पी प्लांट में, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स के जो सात जीन थे वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। हमें पता है कि टू एन कंडीशन पी में क्या है, 14, so n is 7, उनमें 7 ही क्रोमोसोम है। So इन 7 क्रोमोसोम पे ये 7 कैरेक्टर्स के जीन्स प्रेजेंट है। So ये था मेंडल का पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेंडल ने कहा था। बट मेंडल के बाद जो साइंटिस्ट ने काम किया उसे हम बोलते हैं पोस्ट मेंडेलियन एरा, मेंडल के बाद। सो सी, पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड, आइडेंटिफाइड इन पोस्ट मेंडेलियन एरा। मतलब मेंडल के बाद बहुत सारे डेविएशंस हमें देखने को मिले या साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए। दैट क्यूज, वो जो ऑब्जर्वेशन थे, वो जो एक्सपेरिमेंट थे, या हम डेविएशंस बोल सकते हैं, उन्होंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की ऑन
पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां से हमें निकल के आई, ओके। सो उस चीज को हम बोलते हैं न्यू मेंडेलिज्म, ओके, या पोस्ट मेंडेलियन इरा को भी हम न्यू मेंडेलिज्म कह सकते हैं, ओके। सो मेंडेल का इरा एक अलग था, उन्होंने कुछ अलग पॉइंट दिए थे, बट उनके बाद साइंटिस्ट ने स्टडी करने के बाद उन्हें कुछ डेविएशंस देखने को मिले, तो वो जो मेंडेल्स ने इनहेरिटेंस बताया था उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, ओके। सो इट वाज ऑब्जर्व दैट, ओके, क्या देखने को मिला, द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन कैन बी मॉडिफाइड और इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर जीन एंड दैट इज कॉल्ड एज अ जीन इंटरैक्शन। जीन में क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, ओके। सो जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए जीन जो है, ये ए जीन का एक्सप्रेशन मॉडिफाइड कौन करेगा, बी जीन, बी जीन ए जीन का एक्सप्रेशन मॉडिफाइड करेगा, ओके, और इन दोनों के इंटरैक्शन के वजह से एक फिनोटाइप मिलेगा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, एक फिनोटाइप मिलेगा। सो इन दो जीन में क्या हो गया, इंटरैक्शन हो गया, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, जीन इंटरैक्शन, ओके। सो जीन इंटरैक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है इंट्राजेनिक और दूसरा होगा इंटरजेनिक, ओके। अब इंट्राजेनिक का मीनिंग क्या हो गया, विद इन जीन, ओके, मतलब एक ही जीन में हो रहा है, एक ही जीन में हो रहा है, मतलब एक जीन के कितने अलील्स होंगे, दो। सो ये बेसिकली किस में हो रहा है, दो अलील्स में हो रहा है। और इंटरजेनिक बिटवीन द जीन, ओके, मतलब ये दो जीन में हो रहा है, सो इसे हम बोलेंगे इंटरजेनिक इंटरैक्शन। चलिए हम इसे और डिटेल में देख लेते हैं, जीन इंटरैक्शन। सो पहले हम देखते हैं इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, ओके। सो हमने पहले ही बात की है, इंट्राजेनिक मतलब एक ही जीन में हो सकता है, विद इन जीन, ओके। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलेलिक इंटरैक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे, एलेलिक इंटरैक्शन, मतलब एक जीन है, जैसे कि हमने कहा जीन टी है, ये जीन टी है, और इस टी जीन के हमारे पास दो कॉपीज है, दो अलील्स है, एक है कैपिटल टी और है स्मॉल टी। अगर इन दोनों में इंटरैक्शन हो रहा है, ये दो अलील में इंटरैक्शन हो रहा है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इनमें जो इंटरैक्शन हो रहा है उसे हम बोलेंगे एलेलिक इंटरैक्शन, या आप बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, ओके। सो अकर्स बिटवीन द अलील ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के दो अलील्स में होगा इंटरैक्शन। और इंट्राजेनिक इंटरैक्शन के एग्जांपल्स है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, इसे हम डिटेल्स में देखने वाले हैं ये दोनों एग्जांपल्स, बट आपको याद रखना है कि एग्जांपल्स इंट्राजेनिक के क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ओके। इंट्राजेनिक इंटरैक्शन इज ऑल्सो अकर्स बिटवीन द मल्टीपल अलील सीरीज ऑफ द जीन, ओके, हम मल्टीपल अलील के बारे में भी पढ़ेंगे। सो मल्टीपल अलील में भी हमें इंट्राजेनिक इंटरैक्शन देखने को मिलता है, ओके। सो मल्टीपल अलील का यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील, उसे हम भी डिटेल में आगे चल के देखने वाले हैं। तो ये होगा इंट्राजेनिक। सो इंट्राजेनिक को आपको याद रखना है कि एक ही जीन में होगा और बिटवीन द अलील ऑफ द सेम जीन, इसलिए इसे हम एलेलिक इंटरैक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा है इंटरजेनिक इंटरैक्शन, ओके, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। नॉन एलेलिक क्यों कहेंगे, क्योंकि एक ही जीन के दो अलील में नहीं होगा, दो अलग अलग जीन के अलील में ये इंटरैक्शन हो सकता है। सो सी इट अकर्स बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, ओके। अगर मैंने कहा कि ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ओके, सो हमने कहा कि यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे भी कैपिटल बी है,
ओके, और ये दूसरा, ये क्रोमोसोम नंबर वन है, ये क्रोमोसोम नंबर टू है, और यहाँ पे है कैपिटल ए, यहाँ पे भी कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल सी, यहाँ पे भी कैपिटल सी है. ओके, सो अगर इंटरैक्शन इन दो जीन के बीच में हो रहा है, इन दो अलील के बीच में हो रहा है, तो ये एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बल अलग अलग जीन है, ये टी जीन है और एक बी जीन, तो उसे हम बोलेंगे इंटरजेनिक. सो ये भी हो सकता है कि वो दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, या तो ऐसा हो सकता है कि इंटरैक्शन हो रहा है बी जीन में और ए जीन में, इंटरैक्शन हो रहा है बी जीन में और ए जीन में. अब बी जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर वन पे प्रेजेंट है और ए जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर टू पे प्रेजेंट है, मतलब जीन इंटरैक्शन जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम में भी हो सकता है, मतलब द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम. ऐसा नहीं है कि एक वही सेम क्रोमोसोम पे ही हो, ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम में भी हो सकता है. सो उसके एग्जाम्पल प्लियोट्रॉफी है, प्लियोट्रॉफिज्म, पॉलीजीन्स, इपिस्टासिस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स. ओके, इपिस्टासिस जो है उसे हम बाद में डिटेल्स में देखने वाले हैं, इपिस्टासिस क्या होता है, जिसे हम मास्किंग ऑफ जीन भी कहते हैं सिंपली. ओके, फिर हम पॉलीजीन्स देखेंगे, मेनी जीन्स, पॉलीजीन्स, प्लियोट्रॉफिज्म भी हम देखेंगे. ओके, जिसमें हम सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल देख लेंगे. सो ये था इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक इंटरेक्शन. सो अब हम इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें की एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस. ओके, सो हम पहले देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है. सो देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही हम पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल डोमिनेंस. ओके, कभी कभी इसे सेमी डोमिनेंस भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी डोमिनेंस, या कभी कभी इसे हम इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहते हैं, इंटरमीडिएट डोमिनेंस. ओके, ये तीनों एक ही नाम है. ओके, सो अब देखिए इसमें क्या होता है, द बोथ अलील्स एंड द एलीलोमॉर्फिक पेयर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली. ओके, मतलब दोनों के दोनों अलील जो रहेंगे वो दोनों अलील एक दूसरे को पार्शियली क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, पार्शियल डोमिनेंस. कोई एक अलील जो है वो कंप्लीटली दूसरे का इफेक्ट सप्रेस नहीं कर रहे. ओके, पार्शियली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रहा है दोनों अलील का. सो वन अलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील कंप्लीटली. मतलब जैसे कि हमें नॉर्मली पता है, अगर ये कंडीशन है तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. ओके, कुछ हद में कैपिटल टी भी एक्सप्रेस होगा और स्मॉल टी भी एक्सप्रेस होगा. ओके, सप्रेस नहीं होगा स्मॉल टी. सो इन सच केसेस देयर इज एन इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इन एफ वन हाइब्रिड्स आर फॉर्म्ड. इस कंडीशन में हमें दोनों से मिला के जो हाइब्रिड फॉर्म होगा उसमें इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल जाता है. सो इसे हम, इसलिए इस डोमिनेंस को हम इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहते हैं. ओके, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मिराबिलिस जलापा, जिसे हम 4O क्लॉक प्लांट भी कहते हैं. ओके, commonly called as 4O clock plant, Mirabilis jalapa. Okay, so इसमें हम example लेते हैं flower color. Okay, so ये जो flower color है वो control किया जाता है R gene के वजह से. Okay, और this R gene has two alleles. एक हो गया कैपिटल आर, दूसरा हो गया स्मॉल आर. ओके, ये जो कैपिटल आर है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
gives the red color, और ये small r जो है वो responsible होता है white color देने के लिए, okay? या आप red pigment या white pigment भी कह सकते हैं, okay? So अगर हम बात करें तो capital R से हमारे पास क्या होगा, red pigment मिलेगा, और small r से हमारे पास white pigment मिलेगा, okay? और जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसे हम कैपिटल आर स्मॉल आर बोलेंगे, सो नॉर्मली अगर हम ये चीज डाल लें कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा कलर रहेगा, रेड, ओके? बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, रेड कलर नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास दिखेगा पिंक पिगमेंट, ओके? जैसे कि हम कह सकते हैं डाइल्यूशन, रेड कलर का क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा, ओके? और फ्लावर्स कलर जो है वो हमें पिंक देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये कंडीशंस हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखने को मिलती है, ओके? सो जब हम कंप्लीट इसका क्रॉस करके देखते हैं कि क्या होता है, ओके? सो हमने एक प्लांट लिया जिसमें कि कंडीशंस हमने कैपिटल आर रखी, तो ये रेड फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे और ये व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। एज यू नो इससे एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे कैपिटल आर, और इसके एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे स्मॉल आर। सो ये फ्यूज हो जाएंगे और इससे बनेगा F1 हाइब्रिड, और ये जो F1 हाइब्रिड है इसका जो फिनोटाइप होगा वो होगा पिंक, ना कि रेड ना कि व्हाइट, ओके? सो क्या बनेगा, पिंक, ओके? और जब हम इसका F2 जनरेशन निकालेंगे तो हमें कुछ इस तरह की कंडीशंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमने कैपिटल आर लिया, कैपिटल स्मॉल आर लिया, कैपिटल आर स्मॉल, सो ये कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसका फिनोटाइप बनेगा रेड, इसका बनेगा पिंक, ये भी होगा पिंक, और ये होगा व्हाइट, ओके? मतलब देखिए रेशियो कैसा बनेगा, जीनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो कैपिटल आर एक, कैपिटल आर स्मॉल आर दो, और स्मॉल आर एक। सो रेशियो तो नॉर्मल बना 1:2:1, ये तो जीनोटाइपिक रेशियो है। अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो हमारे पास तीन फिनोटाइप आ गए, अब कौन से, रेड पिंक एंड व्हाइट। सो रेड के कितने हमें पिग मिले, एक, पिंक के दो, और व्हाइट का एक। सो यहाँ पे अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम है, चेंज नहीं है, वो सेम ही, दैट इज 1:2:1, ओके? So the genotypic ratio and phenotypic ratio is same in incomplete dominance, ठीक है? So मतलब अगर हम इसके molecular level पे बात करें, okay? तो R जीन ने उसका खुद का expression करके red pigment बनाया होगा, okay? और small R जीन ने भी उसका white pigment बनाया होगा। जब ये mix हुए होंगे तो इसका अलग एक्सप्रेशन आ गया जिसे हम कहेंगे पिंक कलर, ओके? सो कौन सा, पिंक कलर का एक्सप्रेशन आ गया, ओके? मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर आप रेड कलर में व्हाइट कलर डाल दो तो वो कलर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, सो वो पिंक कलर हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी वही हो गया, डाइल्यूशन ऑफ द कलर, ओके? सो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
ओके सो ये इमेज है, ओके ग्राफिक ग्राफिक में रिप्रेजेंटेशन है, ओके जैसे भी हमने अभी यहाँ पे क्रॉस करके देख लिया, ये देखिए रेड पिंक पिंक और व्हाइट फ्लावर, ओके सो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम ही हमें देखने को मिलेंगे. सो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके सो अब हम देखते हैं को डोमिनेंस. ओके सो को डोमिनेंस का मतलब क्या होगा, को एक साथ, ओके कोऑपरेटिव जैसे हम बोलते हैं एक साथ काम करना, सो को डोमिनेंस मतलब दोनों के दोनों अलील क्या हो रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं को डोमिनेंस. ओके सी बोथ द अलील्स और अलीलोमॉर्फ्स पेयर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली इन एफ वन जनरेशन. दोनों के दोनों इक्वली क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे को डोमिनेंस. ओके को डोमिनेंस मतलब क्या हो रहा है कि ए अलील बी एक्सप्रेस हो रहा है और बी अलील भी एक्सप्रेस हो रहा है. ओके दोनों के दोनों अलील एक्सप्रेस हो रहे हैं. सो सच अलील एक्सप्रेस इक्वली एंड इंडिपेंडेंटली इन हाइब्रिड्स आर कॉल्ड एज को डोमिनेंट अलील्स. जो अलील खुद को एफ वन हाइब्रिड्स में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं उन अलील को हम बोलते हैं को डोमिनेंट अलील. सो एग्जाम्पल कोट कलर इन कैटल एंड ए बी ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस. ओके सो हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एबी ब्लड ग्रुप जो है वो का भी हम एग्जांपल देखते हैं, और कोट कलर इन कैटल. ओके सो कोट कलर इन कैटल जो है वो भी हम कहते हैं कि आर जीन से कंट्रोल होता है. ओके सो आर जीन जो होता है वो रेड कलर हमें प्रोवाइड करेगा. ओके कैपिटल आर, बट यहाँ पे हम कैपिटल आर ले लेते हैं और इसका जो दूसरा अलील है वो शो करने के लिए हम व्हाइट ले लेते हैं. ओके व्हाइट कलर के लिए. सो अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस करें तो हम लेते हैं कि मेल जो है उसमें हम कैपिटल आर लेते हैं और फीमेल जो है उसमें हम डब्ल्यू डब्ल्यू लेते हैं. ओके कि सिर्फ कि ये दोनों अलील खुद एक्सप्रेस हो रहे हैं इसके वजह से. ओके ऐसा कुछ नहीं है. सो दोनों अलील जो है वो अलग अलग है. ओके खुद एक्सप्रेस हो रहे हैं उसके वजह से और इसे हम बोलेंगे वाइट. सो इससे बनेगा आर और इससे बनेगा डब्ल्यू. जब ये मिक्स हो जाएंगे तो एफ वन हाइब्रिड्स कुछ इस तरह से बनेगा. ओके और जब एफ वन हाइब्रिड बनेगा तो ये एफ वन हाइब्रिड कहलाएगा रोन कलर. इसे हम क्या बोलेंगे, रोन कलर. मतलब कैटल में कुछ जगह पे रेड कलर हमें देखने को मिलेगा और कुछ जगह पे व्हाइट कलर हमें देखने को मिलेगा. मतलब रेड और व्हाइट दोनों पैचेस हमें कोट कलर में देखने को मिलेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि अलग कोई तो इंटरमीडिएट कलर फॉर्म है, ऐसा नहीं है कि ये व्हाइट और रेड का मिक्स होके कुछ तो अलग कलर. नहीं, रेड का भी अपीयरेंस है कोट में, ओके कोट कलर में, और व्हाइट का भी अपीयरेंस है. मतलब दोनों के दोनों एक साथ क्या हुए हैं, एक्सप्रेस हुए, एक साथ एक्सप्रेस हुए. तो इसमें भी अगर हम इसका एफ टू जनरेशन रेज करें तो इसमें भी हमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है वो सेम देखने को मिलेगा. ठीक है सो ये बनेगा रेड रून रून एंड रेड. सो कैपिटल आर कैपिटल आर डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू. सो वन एस टू एस टू वन और रेड रोन एंड व्हाइट. सो इसका भी रेशियो हमारे पास रहेगा वन एस टू टू एस टू वन. सो कोडोमिनेंस में भी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा. ठीक है सो ये देख लीजिए. ओके सो यहाँ पे
ये रेड कलर और ये व्हाइट कलर के क्या कटल लिए है, ओके। सो जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि रेड पैचेस भी है और व्हाइट पैचेस भी है, रेड पैचेस भी है और व्हाइट पैचेस भी है, ओके। सो दोनों के दोनों अलील क्या हुए हैं, एक साथ इक्वल अमाउंट में एक्सप्रेस हुए हैं, इक्वल अमाउंट में एक्सप्रेस हुए हैं, तो इसलिए हम इसे को डोमिनेंस कहते हैं, ओके। सो अगर हम ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ले लें, ओके, अगर हम ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओके, कि हमने कहा फीमेल जो है वो ए ब्लड ग्रुप की है, सो उसका जीनोटाइप रहेगा ये और ब्लड ग्रुप रहेगा ये, और मेल जो है वो उसका ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप रहेगा ये, ओके, सो ये बी ब्लड ग्रुप का है, ओके, सो इसके जो जीन बनेंगे वो आई ए, इसके जो जीन बनेंगे वो आई बी, ओके, सो जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो उसका जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए आई बी। सो ये आई ए आई बी बना, तो देखिए ये हो गया एफ वन और इसका ए भी एक्सप्रेस होगा बी भी एक्सप्रेस होगा, इसलिए ब्लड ग्रुप बनेगा इस इंडिविजुअल का ए बी, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी, ना ए ना बी, क्योंकि ओ ए और बी क्या है, कोडोमिनेंट है, ओके। एफ टू जनरेशन अगर हम रेज करके देख ले इसकी, तो देखिए क्या हो जाएगा, आई ए आई ए आई ए आई बी आई बी आई बी सॉरी आई ए एक मिनट, यहाँ पे आई ए आई बी ही है, यहाँ पे इरेज करते हैं, ओके, सो ये आई ए और आई बी और ये आई बी आई बी, सो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी और इसका ब्लड ग्रुप होगा बी, सो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, आई ए आई ए आई ए आई बी और आई बी आई बी, एक इसके दो और इसका एक। फिनोटिपिक में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप बी, ए के कितने मिलेंगे इंडिविजुअल, एक, ए बी के दो, एक, सो जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो आर अगेन सेम इन द कोडोमिनेंट, ओके। सो ये तो हमने देखे इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही जीन में हो रहा है, ओके, तो इसमें जीन क्या है, सिर्फ एक ही जीन है आई जी, उसके दो अलील है ए और बी, तो वो क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ कोडोमिनेंट है, सो इसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। सो ये डेविएशंस थे इंट्राजेनिक के, हम नेक्स्ट में इंटरजेनिक देखेंगे, ओके, प्लियोट्रोफी का एग्जांपल देख लेंगे, ओके, और मल्टीपल अलील्स का जो कंसेप्ट है ब्लड ग्रुप का ही एग्जांपल लेके हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ओके, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू वेरी मच।